गौतम गंभीर और अरविंद केजरीवाल की पिछले 3-4 दिनों से ट्विटर पर बातचीत चल रही थी और इस बातचीत का मकसद ये था कि एक दूसरे की बात एक दूसरे से ऊपर रखना और दूसरे को नीचा दिखाना। इसकी शुरुआत हुई थी जब मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया था कि इस वक्त फंड की कमी है, जिसके बाद गौतम गंभीर ने मनीष सिसोदिया की इस बात को पकड़ लिया और अरविंद केजरीवाल को ट्वीट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी, मैं अपनी तरफ से पैसे भेज रहा हूं दिल्ली सरकार को कोरोना से लड़ने के लिए और फंड की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कमी पड़ेगी तो हम और जुटाएंगे, लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए फंड की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में पैसा बीच में नहीं आना चाहिए। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने उनके ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कोट किया था कि ये आपका बहुत बड़प्पन है गौतम गंभीर जी की, आप मदद ऑफर कर रहे हैं लेकिन दिल्ली के पास कोई कमी नहीं है फंड की, आप बेफिक्र रहिए, लेकिन अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो पीपीई किट की कमी है और पीपीई किट हमें मिल नहीं रही पैसा होने के बावजूद, अगर आप उनका इंतजाम करवा दें केंद्र सरकार से कह के तो अच्छा रहेगा। जिसके बाद गौतम गंभीर ने अरविंद केजरीवाल के उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कोट किया था कि आपके डिप्टी कहते हैं पैसा नहीं है, आप कहते हैं पीपीई किट नहीं है, लेकिन फिर भी अरविंद जी मैं लोगों के लिए आपके पीपीई किट का इंतजाम करवा देता हूं, मैं अपनी तरफ से गौतम गंभीर फाउंडेशन की तरफ से 1000 पीपीई किटें भिजवा रहा हूं, बस आप लोकेशन बता दीजिए कहां पर डिलीवर करवानी है। और कल गौतम गंभीर ने इन 1000 पीपीई किटों को डिलीवर करवा दिया जो कि गौतम गंभीर फाउंडेशन से दी गई। तो कुल मिलाकर उनकी इस बहस में फ़ायदा दिल्ली का ही हुआ कि गौतम गंभीर ने 1000 पीपीई किटें भिजवा दी। इसके अलावा गौतम गंभीर ने वादा किया है कि आगे भी कोई ज़रूरत होगी तो गौतम गंभीर फाउंडेशन तैयार है और किसी भी कीमत पर कोरोना वायरस की जंग में गौतम गंभीर फाउंडेशन पीछे नहीं हटेगी। गौतम गंभीर फाउंडेशन गौतम गंभीर ने जब वो क्रिकेटर थे तभी बनाई थी, जिसका काम था अनप्रिविलेज लोगों की हेल्प करना, और यकीनन गौतम गंभीर उस काम में हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। राजनीति में आने से पहले ही वो गौतम गंभीर फाउंडेशन से काफ़ी लोगों की मदद कर रहे थे, खास करके अगर कोई शहीद हो जाता था और उसके बच्चा अगर कोई दिल्ली के आसपास का होता था और गौतम गंभीर उसके लिए कुछ कर सकते थे तो गौतम गंभीर ज़रूर करते थे, और यही कारण है कि गौतम गंभीर को इतने लोग प्यार करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।